हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्ले क्राफ्ट कॉर्नर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चार ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी राउंड सरफेस पे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़े ही आसानी के साथ लिपन आर्ट, मंडला आर्ट इत्यादि के लिए डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के पहले ट्रिक में हम अपने राउंड बेस का सेंटर पॉइंट निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो भी बेस है उसी के साइज के अनुसार हम एक राउंड पेपर काट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास MDF का बोर्ड है तो मैंने उसके साइज का एक न्यूज़पेपर काट लिया है और उसको हाफ में फोल्ड कर लिया है। उसको मैं फिर से एक बार और फोल्ड करूँगी। इस तरह दो बार फोल्ड करने के बाद जो भी कॉर्नर बनता है वहाँ पे मैं कट कर दूंगी। कॉर्नर कट करने के बाद वापस से मैं फिर उस पेपर को खोलूंगी और उसी बेस के ऊपर रख दूंगी। पेपर रखने के बाद जहाँ पे मैंने कट किया था वहाँ पे पेन या पेंसिल से एक निशान लगा दूंगी। इस तरह से हमारे बेस का सेंटर पॉइंट हमें मिल गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है और आपके पास यदि कंपास नहीं है तो फिर आप किस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे, आज मैं वही तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। एक मैंने थिक सा पेपर ले लिया है। आपको इंच या सेंटीमीटर जिसमें भी चाहिए आप निशान लगा लीजिए। मैं 1-1 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इसको करना जरूरी नहीं है। जितना आपने निशान लगाया है उतने से भी काम चल जाएगा, बट थोड़ा सा विजिबल हो आप लोगों को इसलिए मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। हमने बीच से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो हाफ पे भी कर सकते हैं। तो ये पेपर हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल है। 1 इंच चौड़ाई की एक थोड़ा सा हार्ड शीट ले लीजिए और उस पे 1-1 इंच का मार्क लगा दीजिए। अब जिस पे आपको सर्कल बनाना है उसका सेंटर पॉइंट तो निकालना आप सीख ही गए हैं। एक पेन ले लीजिए और सेंटर पॉइंट पे रख लीजिए। अब दूसरा पेन या पेंसिल ले लीजिए, आप जिससे भी सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज आपने 1-1 इंच पे सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया, 1 इंच पे आपने ड्रॉ कर लिया। अब फिर 1 इंच पे आपको नहीं करके 2 इंच पे ड्रॉ करना है, तो आप 1-2। और अगर आपको 1/2 इंच पे ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास कंपास नहीं होता या हमारा आर्टिकल बहुत बड़ा होता है, उस समय हम इस ट्रिक का यूज करके बड़े ही आसानी के साथ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। हम अपने थर्ड ट्रिक में सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने राउंड बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। लिपन आर्ट या मंडला आर्ट बनाने के लिए हमारे पास जो भी राउंड बेस होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो इसके लिए मैंने फिर से एक राउंड पेपर कट कर लिया है, लेकिन ध्यान रहे इस बार पेपर हमारे बेस से थोड़ा छोटा साइज का होना चाहिए। इस पेपर को वीडियो में बताए गए तरीके के अनुसार फोल्ड कर लीजिए। आपको अपने बेस को जितने ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना है आप पेपर को उतना ज़्यादा फोल्ड करेंगे। अब पेपर को ओपन कर लीजिए और राउंड बेस के ऊपर उसको रख लीजिए। अब जहाँ जहाँ पेपर पे फोल्ड के निशान हैं उस जगह पे बोर्ड पे निशान लगा लीजिए। अब जो जो निशान आमने सामने है उसको सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से आप किसी भी राउंड सरफेस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, फोर्थ ट्रिक हमें किस तरह से अप्लाई करनी है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे इस बड़े सर्कल में डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए मैं एक टेम्पलेट का यूज़ कर रही हूँ। जब भी हमें कोई एक ही डिज़ाइन बार बार ड्रॉ करना पड़े तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट बना लेना चाहिए और उस टेम्पलेट को रख के बार बार हमें डिज़ाइन ट्रेस करना चाहिए। इससे हमारा डिज़ाइन इक्वल शेप एंड साइज में ड्रॉ होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से आप भी बड़े आसानी से डिज़ाइन ड्रॉ कर पाएंगे और अपना आर्टिकल कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।